थैंक यू आपको भी। लुक मेरे आलू का जो कपड़े बोले जाते हैं, जैसे अगर वो मिल जाएंगे आई एम सुपर हैप्पी, बिकॉज मुझे लगता है कि मेरी फिटिंग के हिसाब से बहुत अच्छे हैं, सूट करता है, आई एम सुपर हैप्पी। तो वो अंदर से एक मोटिवेशन आ रहा है कि हाँ भाई कुछ पहना है, कुछ करेंगे। यार बीटी का जो ये शो है ये बहुत मायने रखता है, बिकॉज आई थिंक मैं पिछले 10-12 साल से इंडस्ट्री में हूँ, तो मेरा ये मोर देन 8 to 9 होगा नंबर ये जो मैं कर रहा हूँ अभी तक, बिकॉज अभी 2-3 साल से नहीं हो पा रहा था बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। आफ्टर लॉकडाउन के बाद भी अगर हुआ तो सबसे पहले मैंने किया, आई थिंक उसके पहले अगर नहीं हुआ होगा तो शायद पता नहीं मुझे, बट हमेशा से मैं इस शो का हिस्सा बना हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। यार बेटियों के मामले में हमेशा से एक मुझे बहुत अच्छी चीज़ बताई गई है, बिकॉज मेरी खुद की 4 बहनें हैं, 4 सिस्टर्स, तो अगर मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ ना, लोग बोलते हैं बहुत सारे लोग कि हमें माँ बाप की दुआएं होती हैं, माँ बाप लेके चलते हैं, माँ बाप की दुआएं तो मेरे साथ थी ही थी, लेकिन अगर मैं यहाँ तक पहुँचा तो उसमें सबसे बड़ा अगर हाथ है वो मेरी सबसे प्यारी बड़ी बहन का हाथ है, तो मेरे लिए लड़की हमेशा प्योरिटी फर्स्ट रही है। यार शो इट्स ऑल अबाउट टीआरपी, इट्स ऑल अबाउट लक है ना, और ऑडियंस को बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा चल रहा था, बाकी हो सकता है अभी कुछ नया करेंगे इंशाल्लाह वेरी सून, चल रहे हैं अभी बात हो रही है, जैसे कुछ फाइनल हो जाएगा और आपके सामने तो आ ही जाऊँगा है ना, बट बहुत जल्दी मैं आपको मिलूँगा। मैं दोनों में जाना पसंद करूँगा, सो लेट्स सी क्या होता है ना।